और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी टैंक पर सवार नजर आए, उनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार भी दिखाई दिए। सीएम योगी ने मिसाइल और हेलीकॉप्टर का निरीक्षण भी किया। वहीं सेना दिवस के मौके पर नो योर आर्मी मेले का शुभारंभ भी किया। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि भारतीय सेना 140 करोड़ लोगों के शौर्य का प्रतीक है। सेना दिवस के आयोजन के लिए लखनऊ को चुना गया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने भारतीय सेना के जवानों का उत्साहवर्धन भी किया है। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 की शुरुआत आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में की है। अपने पीछे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ के कैंट में, जो ये महोत्सव है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। नो योर आर्मी फेस्टिवल जो है वो इस कार्यक्रम का थीम रखा गया है, जहाँ पर जो आर्मी के जवान हैं, चाहे वो जल सेना हो या फिर वो थल सेना हो, सभी के जो जवान हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और जवान जो है वो यहाँ पे शौर्य प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अभी कुछ देर पहले यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ सभी जवानों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से उनको संबोधित भी किया और उन तक अपनी बात भी पहुँचाई है कि जो भारतीय सेना है उसके लिए एक अलग जज्बा होता है, एक अलग हम सबके दिल में सम्मान होता है और सम्मान का फॉलो करें और इसके साथ ही जो भारतीय सेना है उसको ज्वाइन करें। कुल मिला के तमाम सारे यहाँ पे स्कूली बच्चे आए हैं अपने अभिभावकों के साथ। सभी अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को लेके आए हैं कि आर्मी किस तरह से काम करती है, जवान हमारे किस तरह से अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर जो तमाम यहाँ पे कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं। तमाम सारे यहाँ पे छात्र हैं एनसीसी के, हम इनसे भी बात करेंगे। आज आप लोग इस प्रोग्राम में आए हैं, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आके? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे आए हैं, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली जो चीज़ नहीं पता थी, देखें यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया। तो क्या प्लान है आपका इन फ्यूचर आर्मी में जाने का, प्लान है इस पूरे थीम को देखने के बाद? थीम को देखने के बाद मेरा बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा सीडीएस के लिए, जिसके वजह से थ्रू मैं जा सकूं, क्योंकि मेरा 12th तो हो चुका है, जिसकी वजह से मैं तो उधर एनडीए जा नहीं सकता, तो सीडीएस के थ्रू ही जाऊंगा ये कल्चरल देख के मैं। क्या नया देखने को मिला आज? सर हमें लगभग सारी चीज़ें नहीं देखने को मिली। जैसा कि हम लोग नेशनल कैडेट कॉर्प्स में हैं तो एनसीसी ने हमें फ़ौज के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन इस आर्मी जो फेस्टिवल है इससे हमें कई सारी नई चीज़ें पता चली। जैसे हम लोगों को नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज पता चली, इनका स्ट्रक्चर पता चला, इनकी वर्किंग पता चली, साथ में हमें मोटिवेशन भी मिला कि कैसे हम इसमें जा सकते हैं। इसमें अच्छी स्कीम्स भी बताई गई हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी, कैसे कोई बंदा फौज ज्वाइन कर सकता है। सीएम आए थे, उन्होंने सबका हौसला बढ़ाया, उन्होंने युवाओं से खास तौर से कहा कि इंडियन आर्मी की ओर अपना रुझान बढ़ाएं, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, सीएम सर का भी सपोर्ट अच्छा है, जिसके थ्रू हम बताना चाहेंगे हम एनसीसी के कैडेट्स हैं सर, हमारे भी मॉडल्स लगे हुए हैं सर, हम भी उसी कोशिश में हैं कि भारतीय सेना को ज्वाइन करें और देश के युवाओं को जागरूक करें। देश की सेना के जो भी शौर्य के प्रदर्शन है उन्हें देखकर उन्हें जानना चाहिए कि देश की सेना आज कहाँ पर है। 1999 से लेकर 2024 में भारतीय सेना कितनी सक्षम हो चुकी है। अभी एनसीसी इन फ्यूचर का क्या प्लान है? एनसीसी जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करा रही है और इन फ्यूचर हम लोग देश की एज ए सिविलियन तो हेल्प कर ही सकते हैं और इन अ वर्दी इन अ ड्रेस हम लोग हेल्प करेंगे आफ्टर क्वालिफाइंग सीडीएस एग्जाम। आर्मी के जवानों के लिए कैसा जज्बा है? आर्मी के जवानों के लिए बहुत ही प्राउड फील करते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी में हैं और हम भी आर्मी में सीडीएस निकाल कर जाना चाहते हैं, कोशिश पूरी है, बहुत अच्छा लगता है आर्मी को देखकर। तो कुल मिला के यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं एनसीसी का, उनका साफ तौर से कहना है कि कई सारी नई चीज़ें, कई सारे नए अनुभव यहाँ पे आके उन्हें देखने को मिले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अपने पीछे की, जो बच्चे हैं वो अपने अभिभावकों के साथ आए हैं, इसके साथ ही एनसीसी के यहाँ पे जो तमाम कैडेट्स हैं वो आए हुए हैं, चाहे यहाँ पे इंडियन आर्मी की जो तीनों विंग होती हैं, चाहे वो नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो या फिर जो थल सेना है वो हो, सभी के जवान जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और इसके साथ ही वो यहाँ पे आए हुए तमाम बच्चों का जो है वो पूरी तरह से उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और कुल मिला के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने युवाओं को पूरी तरह से प्रेरणा दी और इसके साथ ही उन्होंने भारतीय सेना के जो जवान यहाँ पे उपस्थित थे उन सभी की भी हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि भारतीय सेना के जो जवान होते हैं उन सभी के लिए हमारे दिल में एक अलग जज्बा होता है, उनको देख के हम सब जोश से भर जाते हैं और जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनको अपना रुझान इंडियन आर्मी की ओर बढ़ाना चाहिए। अनिल के साथ उमंग पांडे, राजी टीवी, लखनऊ।